खबर दिनभर मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। शुक्रवार 12 जुलाई की देर शाम को जयपुर में राजपूत समाज के दो संगठनों में खूनी जंग हुई। दोनों संगठनों की ओर से एक दूसरे पर फायरिंग के आरोप लगाए गए। फायरिंग हुई लेकिन फायर किस संगठन की तरफ से हुआ इसकी जांच की जा रही है। देर रात को ये झगड़ा जयपुर के चित्रकूट इलाके में हुआ जो राष्ट्रीय कर्णी सेना का कार्यालय है। दरअसल राष्ट्रीय कर्णी सेना के कार्यालय पर राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना और उनके साथी पहुंचे। उनके पहुंचने के बाद किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले कि जिस तरह से कांग्रेस शासन के दौरान संविधान को दबाया और कुचला गया, जिन्होंने संविधान के टुकड़े टुकड़े किया, आज भी वही कर रहे हैं। लोग हाथों में संविधान की किताब लेकर संविधान की रक्षा का संकल्प दोहरा रहे हैं। देश 1975 की त्रासदी की नहीं भूला है और देश को उसे भूलना भी नहीं चाहिए। लगातार याद रखने की जरूरत है ताकि कोई भी निरंकुश सरकार इस तरह से संविधान का उल्लंघन और दमन ना कर सके। जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट एयरलाइंस की महिला कर्मचारी द्वारा सीआईएसएफ जवान को थप्पड़ मारने के मामले ने नया मोड़ लिया है। थप्पड़ मारने वाली अनुराधा रानी ने सीआईएसएफ एसआई गिरिराज प्रसाद पर संगीन आरोप लगाते हुए क्रॉस केस दर्ज करवाया है। महिला कर्मचारी ने आरोप लगाए कि जवान ने उसे बाजारों और अज्जा सब शब्द कहे थे। शनिवार को जयपुर में भाजपा की प्रदेश समिति की बैठक में बोलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोले कि भाजपा के कई कार्यकर्ता मेरे पास आते हैं और कहते हैं हमारे काम को कोई देख नहीं रहा, लेकिन सच यही है कि भाजपा का हर कार्यकर्ता केंद्र के कैमरे की नजर में है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आप लोगों के बीच में आया हूँ। मुख्यमंत्री बनने की बात पर भजनलाल शर्मा बोले कि जब सीएम पद के लिए मेरा नाम पुकारा गया तो पहले मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन ये भाजपा में ही संभव है जो कार्यकर्ता को बड़े पदों के लिए मौका देती है। शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने हरीश कार्य समिति की तैयारियों पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीपी जोशी से क्रोहिलाल मीना की नाराजगी को लेकर सवाल किया गया तो सीपी जोशी बोले कि क्रोहिलाल मीना नाराज नहीं है, वो पार्टी के संपर्क में है, मेरी भी लगातार उनसे बातचीत होती है। क्रोहिलाल मीना सीनियर लीडर है, बहुत समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर भजनलाल सरकार को आड़े हाथ लिया। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि राज्य की तीन अलग अलग किनारों जयपुर जैसलमेर और अलवर की खबरें हैं जो गवाही दे रही है कि भाजपा सरकार के राज में राजस्थान में कानून का इकबाल खत्म होता जा रहा है। प्रदेश में अपराधी बेलगाम हो गए और सरकार का इस और कोई ध्यान ही नहीं है। केवल भाषणों में जुमलेबाजी और पीआर एक्सरसाइज करने से अपराधों पर काबू नहीं पाया जा सकता। सरकार को बढ़ते अपराधों को रोकथाम के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए। राजस्थान के कई इलाके पिछले कई सालों से पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसा ही एक इलाका सीकर जिले का खंडेला है जहां ग्रामीणों ने सीकर जिले कलेक्ट्रेट पर पानी की समस्या सहित विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। समस्या के निदान की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पुरुष के साथ महिला भी पानी का घड़ा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। प्रदर्शन करने पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि सीकर जिले के खंडेला में पिछले कई सालों से पीने के पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। इसके साथ ही जलदाय विभाग के अधिकारियों की मनमर्जी से आमजन परेशान है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस सांसद दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। मुलाकात से पहले मीडिया से बात करते हुए हेमंत सोरेन बोले कि जेल से बाहर आने के बाद मेरी सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई, इसलिए मैं उनसे मिलने आया हूँ। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा जारी रहेगी। बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सेना में अग्निवीर के रूप में अल्पकालीन और अस्थायी भर्ती का मामला जनवादेश हित से जुड़ा है। ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों की चिंताएं बरकरार है, किंतु सरकार महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसी राष्ट्रीय समस्याओं की तरह इस मामले में भी केवल इधर उधर की बातें कर रही है, ये क्या उचित है? केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को भी दिल्ली जैसी संवैधानिक अधिकार देने की तैयारी कर ली है। जम्मू कश्मीर की एलजी को भी अब दिल्ली एलजी की तरह प्रशासनिक शक्तियां दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में भी सरकार बिना एलजी की अनुमति के ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकेगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों की अधिसूचित किया है, जिसमें एलजी को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल की गई हैं। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू हूँ। शुक्रिया।